छोले उबाल रहे हैं, काबुली छोले। हाँ, तो इसमें आपने ये जो कालापन आया है, कालापन डालने के लिए क्या क्या चीजें डाली है? आंवला डाला है बस, और नमक, ठीक है, और मीठा सोडा है, इससे कालापन आ जाएगा छोलों के अंदर। अब ये जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं मटर पनीर और छोले के लिए, तो इसमें हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम हींग, कश्मीरी मिर्च, टमाटो प्यूरी, इसमें अब हम डाल देते हैं दही ग्रेवी के अंदर और इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा और दही डाल देते हैं। दस किलो टमाटर के ग्रेवी के अंदर 2 किलो दही आप यूज़ करते हैं। हमारे काबुली चने अच्छे से ये बॉईल हो रहे हैं, आप देख सकते हो। चेक कर लेते हैं कि गला है या नहीं गला है, अभी थोड़ी सी कमी है, इसको और बॉईल करते हैं। और इसको ढक देते हैं। ग्रेवी के अंदर अब हम डाल देते हैं हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी बहुत बड़ा रोल होता है खाने के अंदर, आप इसको ज़रूर डाल के देखें। और ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस ग्रेवी को हम पनीर की सब्जी में और छोले की सब्जी में यूज़ करेंगे। छोले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। ये भैया जी निकालने लगे हैं और फिर इसको ग्रेवी में हम इसका करी तैयार करेंगे। क्या इसका ये जो पानी है ये यूज़ नहीं करते? अच्छा, ये पानी यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ छोले हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए छोले का मसाला हम कैसे तैयार करते हैं। ये हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, धनिया पाउडर, गरम मसाला MDH का, चना मसाला MDH, किचन किंग MDH, MDH का ये क्या यूज़ करें भैया? काली कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, हाँ पहुँचाओ, सौंफ पाउडर, काली मिर्च और इलायची दाना। छोटा मसाला इलायची लौंग, अच्छा दालचीनी इलायची लौंग छोटा मसाला है ये। होगा तैयार। साथ में डालेंगे अनारदाना, होगा तैयार। इस मसाला मिक्स को हम यूज़ करेंगे छोले बनाने के टाइम पर। इसमें एक भगोना लेंगे, रिफाइंड यूज़ करेंगे, या आप अपना मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं कुकिंग ऑयल। ये जो मसाला हमने तैयार किया था छोलों का, वो मसाला ऐड कर देंगे।
इसको 5 मिनट भूनना है। और इसको 5 मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छे से। ठीक है। मसाले के अंदर हम डाल देते हैं ग्रेवी जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। अरे दिया बार हाँ दुकान हो रहा है। इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी जिससे मसाला जले ना। जितना यूज हो सके हाँ जितना भी हाँ छोलों के साथ में जितना यूज हो सके उतना पानी डालना है। पहले कम डालो दूध थोड़ा सा बाद में डालो। अच्छा छोले डालो। अच्छा अच्छा और इसमें अब हम डाल देते हैं छोले जो हमने बॉईल करके छान कर रखे हुए थे। पानी डाल के हल्का चेक करके देखो नमक मिर्च ठीक है या नहीं। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। जितना आपको तरी वाले छोले चाहिए आप उतने प्रिपेयर कर सकते हो। और इसको अब 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे आराम आराम से। कोटे खोले ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको पकाएं जिससे छोले जो हमने बॉईल किए हुए हैं वो टूटे ना। और ये बनकर स्वादिष्ट छोले हमारे हलवाई भैया द्वारा बनकर तैयार हो गए हैं। और इसको गार्निश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो धनिया पत्ती। ये देखिए कितना डिलीशियस टेस्ट आ रहा है। अगर आपको हलवाई भैया के इस तरीके के छोले पसंद आए तो उनको सपोर्ट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दें। आप इसका फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। गार्निश करने के लिए आप यूज़ करेंगे क्रीम और साथ में डालेंगे हम गार्निश के लिए धनिया पत्ती। और इस तरीके की रेसिपी बनकर तैयार छोले तैयार हमारे ज़बरदस्त।